सब्सक्राइब करने के लिए एंड में ग्रीन शोकेस टीवी लोगो पे क्लिक कीजिए। तमाम दवाइयां बच्चों की पहुंच से दूर रखिए और शो देखने के बाद तबीयत ज्यादा खराब हो तो जहर खा लीजिए। जी हाँ, आज जो टाइट बच्ची मेरे स्टूडियोज में बैठी हुई है वो पता नहीं मेरी नजर से पहले कैसे बच गई। फिर मैंने यासिर हुसैन और इकरा के घर पे इनको स्लो मोशन में एंट्री मारते हुए देखा और मुझे इनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। वायलिन बजे? हाँ, बहुत कुछ बजा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इनकी शादी हुई हुई है तो मेरे दिल के अरमां आंसू में बह गए। सुना है प्यार का पहला कदम दोस्ती होता है, इसलिए मैंने आज इनको यहाँ दोस्तियां गाड़ने के लिए बुलाया है। मूवी मिलेगी? आप अग्रेसिव आ रही हैं वैसे। सब मिलेगा बेटा, आपको सब मिलेगा। वो कह रहे शक्ल से मासूम, हरकतों से लवर। इस मासूम शक्ल के पीछे स्टार प्लस की वैम छुपी हुई है जो लोगों को क्लबों से बाहर निकलवाती है। आइए मिलते हैं द न्यू सेंसेशन ऑन द ब्लॉक और मेरी गर्लफ्रेंड टू बी मिस सैफा जब्बार। सैफा वेलकम। कैसी हैं आप? अच्छी लग रही हैं। ये आपने बड़ा लेदर वेदर करके आए हैं आप। मुझे लग रहा था मैं लाहौर में हूं, देन आई रियलाइज्ड कि कराची है और गर्मी। घोड़े पे आई हैं? हां, बूट्स थोड़े छोटे हो गए। बार पार्क किया आपने? दिस वाज फनी। ये बताएं सैफा कि आपके विकिपीडिया पेज पे मैंने पढ़ा कि शी इज अ मॉडल टर्नड एक्ट्रेस, तो ये मॉडल से एक्ट्रेस टर्न करने के लिए क्या कोई स्पेशल प्रोसीजर कराना पड़ता है? क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो है कि वो थोड़ी सी अच्छा तो नहीं, वो बस जो एक दो टीके लगवाए हुए होते हैं वो निकालने पड़ते हैं, बस ज्यादा नहीं। टीके निकलवाओ एक्ट्रेस बन जाती है। हां, इससे काम हो जाएगा। हां हां, वो टीवी पे ज्यादा बड़े लिप्स वगैरह अच्छे नहीं लगता। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपने कहा आई एम ऑब्सेस्ड विद द नो क्लोथ लुक, ये क्या चक्कर है? नो व्हाट? नो मेकअप लुक, सॉरी, नो मेकअप लुक, मैं गलत पढ़ जाता हूं। कोई बात नहीं। मैंने कहा शायद कोई नई लुक आई हो, अब आजकल के बच्चों में तो कुछ पता नहीं है ना कि क्या चल रहा है और क्या इन है क्या आउट है। ये बताओ कि तुमने शादी करने की मौत क्या आ रही थी इतना जल्दी? पता नहीं, बहुत जवानी आ रही थी मुझे। तो आप 15 साल इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? तो इतना जल्दी क्यों शादी करनी थी, पता तो चले। क्या था वो पैसे पर मालदार लोग हैं? नहीं, बिजनेस डील अच्छी बन रही थी। काश ऐसा होता। अच्छा, नहीं हुआ? नहीं। तो फिर क्यों की? बस कर ली ना, जवानी थोड़ी सी आई हुई थी और था कि शादी हो जानी चाहिए, वो ख्वाब होते हैं ना वो थोड़े से लड़कियों वाले। सैफा, इंडस्ट्री में मेरे अलावा किसी 3 वर्जन्स का नाम बताएं। चलिए एक का बता दे या मैं ही रह गई हूं। वर्जन का नाम बताने, एक तो आसिम अजहर हो गया, सही है, एक अदनान सिद्दीकी हो गया, तीसरे का नाम बता दे। फिरोज खान। फिरोज? नहीं, मैं पीछे की तरफ गई थी, शादी से पहले गई। शादी से पहले वो वर्जिन से, ऑफ कोर्स हर एक की तरह होते हैं पाकिस्तान में सारे मर्द। दिस शुड नेवर गो ऑफ। सैफा, आप एक ड्रामे में सबूर अली की माँ बनी। जी। तो आपको माँ बनने का बहुत शौक है? नहीं। तो क्यों बनी? पैसे मिल रहे। ऑनेस्ट आंसर, नेक्स्ट टाइम आपको माँ बनना हो तो आप मेरी माँ बन जाइएगा। पैसे मिलेंगे? मिलेंगे, ठीक, बाउंस चेक मिलेगा। सैफा, हमारी रिसर्च ने बताया कि आप अपने हस्बैंड के लिए लड़कियां ढूंढती हैं। सच है काफी। और इसमें लिखा हुआ है शादी से पहले। अच्छा, आप तो आगे शादी के बाद भी उगल पड़ी कि हाँ सच में सच है मैं ढूंढती हूँ। तो ये आप अपने मियाँ के लिए लड़की ढूंढती हैं अभी भी? तो मतलब नहीं, पहले कैसे ढूंढती थी? पहले ये था कि खिजर एंड आई वर फ्रेंड्स, रियली गुड फ्रेंड्स, एंड वी बोथ वर सिंगल, वी वर नॉट डेटिंग, सो वी वर थिंकिंग कि एक दूसरे के लिए ढूंढ लेते हैं। तो ही यूज्ड टू फाइंड मी अच्छा लड़का, जिसमें वो फेल हो गए। मैंने ढूंढी थी 2-3 लड़कियां, वो उन्होंने उनको फेल कर दिया। तो तुम अब डील बनाती थी उनके साथ? नहीं, मैंने कोशिश की लेकिन वहां तक बात ही नहीं जा सकी। पिंप थी आप? प्रोफेशनली के मुतासिर उनकी किया। यार आपके अगर कांटेक्ट्स हैं तो मुझे भी दिलाए ना एक दो यार, मैं पिंप्स दिलाऊं या नहीं? नहीं, पिंप्स तो है मेरे पास। वो मैं लोनली हो जाता हूं ना वीकेंड्स पे, तो आपकी कुछ सहेलियां मेरे मोहब्बत माया, लेकिन हां मैं भूल गया, इसको काटे काट देना। नहीं कट नहीं करना, मजाक कर रहा हूं, असल में वो उधर आ गया। आपके विकिपीडिया पेज पे ये भी लिखा था कि आपके पास डिग्री है BS इन इकोनॉमिक्स की। नहीं नहीं, बिल्कुल भी, ये गलत है यार। इतनी एक्यूरेट स्पेसिफिक बात कैसे कोई लिख देगा आपके बारे में? आपकी डिग्री का नाम भी लिखा। मैंने डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं की। लेकिन क्या पढ़ी थी? यही पढ़ी थी। पर आई नेवर ग्रेजुएटेड। मैं 2-2.5 साल के लिए यूनिवर्सिटी गई, फिर मुझे मोहब्बत हो गई, फिर दिल टूट गया और फिर पढ़ाई कहाँ, पढ़ाई छोड़ दिया। तो ये बुलशिट डिग्री इन इकोनॉमिक्स से बजाय आपको बुलशिट डिग्री इन शोबिज़ नहीं लेनी चाहिए थी? BS
नहीं वो ऐसे ही आ जाती है वो वैसे ही आ जाती है ठीक है सही है उसको लेने की तो जरूरत नहीं है नहीं आपके विकिपीडिया पेज पे ये भी लिखा हुआ था कि आपकी एक इस्लामिक स्टाइल सेरेमनी में वेडिंग हुई तो हम लोग क्या कोयले जला के साथ फेरे लेते हैं ये कैसी ये इस्लामिक स्टाइल का क्या मतलब आपके विकिपीडिया पेज पे लिखा हुआ है इनकी मैं वापस जाके एडिट करवाती हूं गलत है हां भाई हम लोग तो थोड़ी छोटा सा इवेंट था मुझे लगा कि इतने पैसे नहीं लगाने चाहिए तो घर पे कर लिया तो वो लोगों को लगता है ना थोड़ा छोटा कन्फाइंड होता है तो वो इस्लामिक हो जाता है लोग अच्छा इसलिए लिखा होगा और कोई वजह नहीं आपका एक ड्रामा था तेरी मेरी कहानी जी तो उसमें थे आप असफर और सबूर अली जी बिल्कुल तो ये बताएं कि आप असफर के साथ थी सबूर के साथ थी या फिर असफर सबूर के साथ थे या फिर आप उन दोनों के साथ थी मैंने कोशिश की थी कि मैं सबूर के साथ हूँ लेकिन फिर मैंने कोशिश की थी कि हम तीनों साथ हों थ्रीसम वाला ड्रामा था ये हाँ कोशिश थी हमारी पर वो हो नहीं पाए थ्रीसम नहीं हुआ अच्छा 2019 में आपने एक और ड्रामा किया जी नहीं वो ड्रामा नहीं जो आपने यासर इकरा के साथ किया ये एक और ड्रामे की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम था छोटी छोटी बातें ये कोई अजीब सा नाम नहीं है छोटी छोटी तोतला सा राइटर नहीं मुझे एक्चुअली राइटर नहीं याद एंजेलिन मलिक की ये सीरीज थी और अच्छा, ये अच्छा, असफर अच्छा। रहमान के साथ थी यासर हुसैन के साथ तो नहीं थी हाँ हाँ नहीं नहीं ये मैं कह रहा था यासर और आगरा के साथ जो आप वैसे ड्रामे करती रहती है अच्छा अच्छा इस बात मुझे याद आया आज बता ही दें ये क्या किस्सा है टोरंटो वाला क्लब का क्या हुआ अब क्या फायदा वो किस्सा दोहराने का मैं इमेजिनेशन यूज करके बताता हूँ अच्छा क्लब में यासर और इकरा जो है वो साथ थे जी. और फिर यासर को आप नजर आई वो आपसे थोड़ा सा चिपकने लगे और फिर इकरा ने आके ग्लास जो उसके ऐसे मुंह बर्फ फारी और फिर बांसुर ने हम लोग बाहर निकाल दी ये कैसी स्टोरी है कितनी सच्चाई है इसमें काफी हद तक सच्चाई है कुछ चीजों में आपको बाहर क्यों निकाला मुझे नहीं बाहर निकाला था गलती इकरा की थी जाहिर है थोड़ी सी फिर मेरी भी थी थोड़ी सी तो फिर यासर की भी थी थोड़ी सी थोड़ी सी यासर की बिल्कुल सही बाहर निकाला इनको जो है ना मेरे भी कभी ये क्लब में आएंगे मैं बाहर ऐसे शहजाद शेख भी थे हमारे साथ वो था जी वो भी थे जी जी वो बिल्कुल इस कहानी में समझ आ गई कि क्यों निकाला था आपको ओके आपका जानवरों के मामले में स्टैंडर्ड काफी हाई किस नौयत के जानवर पेट्स वगैरह या कोई भैंस वगैरह खरीदनी हो दुम्बा नहीं जब बकरीद वगैरह पे जानवर लेना होता है तो वहाँ आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं काफी नहीं लेती आप नहीं उसके लिए शौहर है ना वो करता है ऐसे काम ये आप आपकी सदफ कमल से दोस्ती है हाय बड़ा वेट था मुझे इस सवाल का उफ तो उन्होंने आपको क्या प्राइवेट में बताए काफी बातें काश बताई होती उनके पास काफी नो हाउ होती है हाँ हाउ बिल्कुल बिल्कुल लो डाउन बिल्कुल बिल्कुल है ना बड़ी तेज लड़की है वैसे हाँ नहीं नहीं माशाल्लाह अच्छी बात होना चाहिए सीनियर है ना हमारी तो उनको इन्फॉर्मेशन होती सही बात इस साल आपकी फेवरेट फिल्म इनमें से कौन सी रही एमिस द मेनिस मेनिस बाइटैनिक आई नो हु यू डिड लास्ट समर या फिर पॉन ऑन द 4th ऑफ जुलाई ये सब फैमिली मूवीज हैं The fourth option, Pawn on the 4th of July. अच्छा आप भी 4th of July को होते हैं? नहीं मेरा focus Pawn पे था. Pawn पे था ना? हाँ. तो 4th of July ना भी हो जब भी? हाँ खैर. तो आपको क्या लगता है पुरानी पिछले ज़माने की Pawn films और आज की Pawn films में क्या फर्क है बुनियादी तौर पे? नहीं मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ ना वो अभी तो मैं comparison नहीं इतना. लेकिन stories तो वही होती है कि वो एक आंटी होती है और वो दूध वाला आता है और वो दूध वाला आके दूध रख के चला जाता है पता नहीं बार-बार क्यों आता है वो जी ये बताएं कि लड़कों का दबाव कहाँ होता है वही होता है जहाँ जहाँ घुटनों में घुटनों में अच्छा इतना आपने सोचा मैंने कहा और तो मुझे उस नंदन सिद्दीकी ने कुछ और बताया था ये बताएं कि आप किसी नए लड़के से जब मिलती हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करती हैं चेस्ट लेग्स के एस एस ऐसे देखती है मैं भी ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा सेक्सफुल को स्टार कौन लगता है असफर रहमान मुनी बट शहरुख सब्जवारी के बैरव सब्जवारी सेक्सफुल समझती है ना जी क्या होता है आपको पता है ये वर्ड मैंने याद किया अच्छा हाँ वो गालियाँ आनी शुरू हो गई सेक्सफुल होता है हाँ वो वाला वो आपको तो शुगर कपड़े पूरे पहन के आई है तो आपकी कोई बजाएगा नहीं मैं सॉक्स यहाँ टखनों से होता है ना हाँ, तो जितना नजर आ रही है ना स्किन हाँ. इसी पे आ जाएंगे 4000 कमेंट तो देखना
नहीं अभी तो मुझे लगता है वो कहेंगे चेहरे का रंग कुछ और है और टांगों का कुछ हाँ ये तो अब तो जरूर कहेंगे हाँ वैसे क्यों कुछ और है लाइट आपने नो मेकअप वो रुक नहीं लगाई नहीं लगाई ना उसने सबसे सेक्स वाला अदाकार कौन लगता है आपको असफर रहमान मुनीब बट शहरोज सदवारी के बैरोज सदवारी या मैं और भी लिस्ट में बढ़ा दूं थोड़े से बढ़ा फिरोज खान शहजाद शेख यासर हुसैन महमूद असलम मैं नहीं बस शहजाद शेख और यासर हुसैन पे आई वुड लाइक टू ये दोनों चलेंगे हाँ दोस्त है ना तो बाद में आई कैन टेल कि मैंने नाम लिया था तुम लोगों का तो चलिए कुछ थ्री से हमारा ड्रामा ढूंढते हैं ये बताएं कि सोशल मीडिया पे आपकी सबसे ज्यादा किस बात पे बजाई जाती बहुत सी बातों पे बजाई जाती है एक दो बता दें हमें उसमें से एक जो सबसे ज्यादा बचती है वो तो ये है कि कपड़े पूरे नहीं पहनती मैं पूरे नहीं पहनती हाँ ये इसमें बचाई जाती है मेरी नजर में तो पूरे ही होते हैं उनकी तरफ से हाँ उनकी तरफ से और उनको ये लगता है कि जो ख्वाजा साहब हैं उनको मुझे पीटना चाहिए इस बात पे कि मैं कपड़े पूरे क्यों नहीं पहन अच्छा अच्छा ओ इत्तेफाक से हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं लोगों के सोशल मीडिया के अब वाइटल स्टैट्स 1974 कहते हैं सहीफा आपकी शक्ल ऐसी है जिस तरह आपने कोई बहुत खट्टी स्वीट खाई हुई है ऐसा कोई कमेंट नहीं पढ़ा मैंने वैसे ये रियल है वाइटल स्टैट्स 1974 इसके स्टैट्स सही हैं अच्छा ओके तो कुछ जवाब देना चाहिए नहीं 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 अच्छा फरमान अंजुम कहते हैं सैफा आप रोज मेरे ख्वाब में आइटम नंबर करती हैं क्या मैं आपके ख्वाब में आइटम नंबर कर सकता हूँ अगर आप प्यारे हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं करें प्यारे हैं तो कर ले हाँ नहीं भी है तो भी करें कोई बात नहीं कुछ नहीं होता ओहो हो हमजा अली अब्बासी 1982 कह रहे हैं ये ऊपर वाले चूतिए की बात मैं सुनना और आइटम नंबर किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपने अब शादी कर ली आप उधर फोकस हाँ फिर भी कमेंट कर रहे हैं मेरे शो पे आ गया ये आजकल बड़ा पॉपुलर सवाल है कि किसको इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए मंशा पाशा सदफ कबल नोमी अंसारी मायरा खान या फिर फिरदौस जमाल मंशा को तो अब नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि वो जिब्स आ गए ना उसके साथ आई बदला लेने का बड़ा दिल कर रहा है मेरा किसे किसे जवाब में बदला लेने का बड़ा दिल कर रहा है लेकिन नहीं समझ गए ये लगाएगा ये वाला काटिएगा नहीं 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 बिल्कुल मैं क्यों काटूंगा कुछ भी नहीं काटूंगा नहीं इनमें से कौन इंडस्ट्री मंशा पाशा फेशियल एक्सप्रेशन से मैं पहचान जाऊंगा अच्छा यही खत्म हो गया नहीं बिल्कुल भी नहीं सदफ कवर नोमी अंसारी नहीं मायरा खान बिल्कुल भी नहीं फिरदौस जमाल बिल्कुल हुआ था आपकी फ्रेंड पे एक और गेम खेलते हैं आप मेरी आंखों में देखे देखे कौन पहले झपकता है मैं बड़ा तेज हूँ कुत्ता कमीना हूँ मैं इस गेम के अंदर नाइस कौन डोंट डू चलते हैं हम अपने एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ जो मैं आपको वर्ड बोलूंगा आपने वो मेरे मुंह पे मार देना जो आपके दिमाग में पहला वर्ड आता है रेडी है बी एंड यू यादें ब्रेकअप 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 खानेवाल होम टाउन बेटी हिट यासिर हुसैन लव इकरा अजीज लव स्क्वायर मुनीब की बट मुनीब बट बहन का वो क्या होता है शोहर भेनोई 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 लोग क्या कहेंगे आई डोंट नो येट मीरा जी फिट है अवार्ड फंक्शन फजूल ब्लॉगर बरादरी ठीक है लगे रहे गोरेपन के इंजेक्शन बहुत सारा पैसा है जो लगाते हैं उनको मिलते हैं बहुत पैसा है सब कमा इसी ले रहे चलते हैं है? ये बात मुझे बताएं कि चेहरे का तो समझ आता है ये बाकी सब कैसे सफेद हो जाता है ये पूछना पड़ेगा किसे? चेहरे का कैसे हो जाता है चेहरे का तो लोग और भी काम कराते हैं ना डिजिंग 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 करा के तो बस वो नीचे भी यही करा लेते हैं हाँ हो सकता है पूछूंगी मैं बताऊंगी नेक्स्ट शो में आप नहीं लगवाया कुछ नहीं है? नहीं तो जो आपका सारा जो सामान लगा हुआ है वो असली है असली है won't won't be कुछ नहीं लगाया पहले इतने होंड थे इनको और क्या जरूरत थी हाँ ठीक है नसवार क्योंकि आप पठान हैं बिल्कुल बिल्कुल यस यस बिग यस तलवार क्योंकि मैं पठान हूँ इसलिए तलवार शरबत फौलाद क्या इसको क्या कहूँ मैं पहला वर्ड दिमाग में क्या आता है अच्छा लेना चाहिए हर मर्द को हर मर्द को हाँ मतलब अगर जरूरत ना हो तो फिर भी लेना चाहिए ज्यादा ले लेना चाहिए अगर आपको लगे ऐसे कि जरूरत नहीं है तो ज्यादा ले लेना चाहिए शोबिज पार्टीज फेक इंग्लैंड की टर्की इंग्लैंड टर्की के चिकन चिकन माहिरा के महविश माहिरा माहिरा अली जफर के आतिफ आतिफ अमेरिका में लीगल ड्रिंकिंग एज कितनी है 21 और पाकिस्तान में 12 13
थर्रे पीने की उम्र 12 की, थोड़ी सी इंग्लिश पीने की 16 हो जाएगी. लीगल वीगल तो खैर. हॉर्नी लोगों को क्या करना चाहिए? सॉरी, हॉर्नी लोगों को क्या करना चाहिए? उनको क्या क्या मतलब है क्या करना चाहिए? उनको वही करना चाहिए जो जरूरत है, मतलब नेचुरल है, जो जो मेडिटेशन. हाँ सईफा बहुत प्रो मेडिटेशन है. अगर 50 शेड्स ऑफ, ये बड़ा पॉपुलर सवाल है हमारे यहाँ, 50 शेड्स ऑफ मिस्टर ग्रे यहाँ बनती पाकिस्तान में तो आप कर लेती, फिर शादी ना होती. ये लड़की थोड़ी सी लिबरल है, विच आई लाइक. अब कौन सा कैरेक्टर, लड़की वाला कि वो मिस्टर ग्रे वाला? मैं मिस्टर ग्रे वाला करती. वो चपेड़े में हाँ. अपने साथ आप हीरोइन कौन पसंद करती है, अगर ऐसा हाइपोथेटिकल है, असली में कौन सा हम करने जा रहे हैं? मैं एक मेरी मॉडल फ्रेंड है, नाम रुबाब अली. रुबाब अली वो होती है जी, परफेक्ट होती है, सेट हो जाता. हाँ? रुबाब अली आप अगले शो पे आ रही हैं? हाँ आप आइएगा. ज्यादा हॉट बॉड किसकी है, शेरोज फिरोज के बेरोज? ज्यादा हॉट, हॉट बॉड. अच्छा ओके ओके जी जी आई आई गॉट इट. किसकी है ऑप्शन था, शेरोज फिरोज या बेरोज? नहीं देखी मैंने किसी की मीन में से. नहीं देखी मैंने यार, रोज तो ये इंस्टाग्राम पे फोटो लगा रहे होती हैं आधे नंगे. मैं फॉलो नहीं कर रही ना. अच्छा ओके जी, ये है हमारा जीके राउंड, इसका मतलब है जनरल नॉलेज राउंड. Okay. कि शोबिज टाइप है तो आपको पता होगा. रेडी? नहीं वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे पता होगा. नहीं आपको पता होगा. Okay. वरना आप गेस कर लेंगे. Okay. मायरा खान के अकाउंट में कितने पैसे हैं? काफी पैसे होने चाहिए. काफी? ओके फवाद खान क्या पहन के सोते हैं? बॉक्सर पहन के सोना चाहिए आपको? चाहिए जी. नहीं लगाइए कहीं. ये तो बड़ी अच्छी है, हेल्दी एडवाइस है. मैं ऐसे नहीं सोना चाहिए ना, उनको सईफा की एडवाइस माने कुछ. नहीं नहीं ना लगाइए. मेरी और आपकी अगर रेस लगे तो कौन जीतेगा? आप जीतेंगे, आप बहुत फिट हैं फिजिकली मेंटली. नहीं नहीं आप ही जीतेंगे, आप ज्यादा फिट हैं ना मुझसे. इस राउंड का नाम है मिरर मिरर. मिरर मिरर ठीक है, तो सच बोलना है इसके अंदर. ठीक है जी. पहला कन्वेंशनल है, मैं सच ही बोलती हूं. मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल? गोरा चिटा मकर. Oh yes, Saheefa Jabbar khatak. Nahi nahi, acha nahi. Mirror mirror on the wall, who's the scariest of all? Dar kisse lagta hai jaan? Aaj kal to Khaleel Rehman sahab se bada lagta. Ye ab aapne keh diya na. Khair hai main kaun sa, unhone mujhe kaha. Ab aapko ijazat nahi denge. Ki aap kuch kar sake life mein. Sorry sir, galti ho gayi. Mirror mirror on the wall, who's the dirtiest of all? अभी तो मुझे आप ही लग रहे हैं यहाँ बैठे हुए. ऐसा क्या किया है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं. अच्छा तो आपकी मियाँ की वजह से? नहीं मैं असल में आपको बाकी सारे देख रही थी ना. अच्छा. शोज इसी पे यूट्यूब पे तो हाँ वो सबने जवाब भी दिया था, तो मैंने कहा और क्या किसी का नाम लूँ, ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्सी बन जाएगी. आप एक्ट्रेस है ना जी, मैं आपको ऑकवर्ड सिचुएशन दे रहा हूँ और आपने आगे से कोई जुमला या बिहेव करना है कि आप बदलने में क्या करेंगे. रेडी आप? अच्छा जी. मैं डायलॉग बोलूंगा आपसे और आपने रिप्लाई करना है जो पहली चीज दिमाग में. रेडी? मेरे दोस्त की माँ मर गई. हाय हाय हाय. गुड गुड. मेरी नानी को कैंसर. झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता. मेरी नानी को? आपकी नानी को नहीं, हो ही नहीं सकता. इतना किसी यकीन है मेरी नानी को? किसी की नानी को नहीं, नानी वाले वैसे ही सारे नानी और दादी वाले झूठ होते हैं. ओके मेरा बेस्ट फ्रेंड गे निकला. हाय स्वीट. स्वीट ना, अच्छी बात है. आपके साथ वो कभी हुआ है कि सारी जिंदगी आपने समझा हो कि गे है तो आप सारी बातें भी कर लेती है, वो हाथ पांव भी लगा रहता है, एंड में आराम ही नहीं निकलता? ऐसा हुआ है ना? कसम से हुआ है. ओ शिट. मतलब कोई दो तीन फोटोग्राफर्स भी हो गए, दो तीन दोस्त भी हो गए, दो तीन मेकअप आर्टिस्ट भी हो गए, और गे नहीं से आराम ही थे. ये हम पता लगा लेंगे ये किसकी बात कर रहे हैं. वो ऑब्वियस है, इनका पूरा सर्कल मैं जानता हूँ. कोई बात नहीं, आपने तो ज्यादा उसको कुछ बताया ना. नहीं. आखिर में हम चलेंगे कोरियोग्राफी राउंड की तरफ, क्योंकि मैं हर एक बड़े बड़ों को नचवा देता हूँ यहाँ. ठीक है तो आप ये बताएं कि गाना आप चूज करेंगी कि मैं? इकट्ठे करते हैं फिर कुछ. ठीक है आप कोई खटक है, आपको खटक डांस सिखा सकती हैं मुझे? क्या घर वाले मारेंगे? घर पापा ने मना किया. मना किया? ये जो एक घंटे से बाकी बकवास की है इसको कुछ नहीं कहेंगे वो? इस पे शादी हो गई है मेरी, अब वो मुझे कुछ नहीं कह सकते. अच्छा अच्छा. क्योंकि इनका नाम सईफा जवार खटक है तो मैंने छोड़ना तो है नहीं ऐसे. आप मुझे आज खटक डांस सिखाएंगी प्लीज?
मैं आपको फॉलो करूंगी क्योंकि मैंने तो सीखा हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप नहीं, आप मुझे इस खतरनाक नहीं पता कैसा है, और तो गाना मैंने निकाल लिया, तो प्लीज आपको शादी वादी तो किया होगा ना, मैं फॉलो करूंगा, बड़ा मजा आएगा, बता रहा हूँ, फन होगा, फन। चले चले, ओके रेडी। ओ पीछे राउंड घूमे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।